यही देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म सर्वसंभव की बात करने वाला देश है। इस कर्जे से हमारे देश पर बोझ बढ़ेगा, हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, इसको रोकना है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप किसानों के लिए कुछ करते नहीं हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है और बेरोजगार सड़कों पर लाठी खा रहा है। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आम आदमी से तो जुड़ा ही है, वो तो रहता ही है, लेकिन बहुत अहम है। मुद्दा ये है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता जा रहा है, आपके ऊपर मतलब इस राष्ट्र के ऊपर, आपके ऊपर माना जाएगा। आपको बता दें 2014 तक हमारे यहाँ जो कर्जा था वो था 55 लाख करोड़। गौर कीजिएगा, 2014 तक जो कर्जा था वो था 55 लाख करोड़, और 2014 के बाद ये अभी 23 स्टार्ट है, इस समय जो कर्जा है वो है 155 लाख करोड़। मतलब ये 10 साल मान लीजिए, 10 साल भी नहीं है, 10 साल में ही हम 100 लाख करोड़ ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं। ये कितना उचित लगता है, कितना सही है, कहीं हम श्रीलंका और पाकिस्तान तो नहीं हो जाएंगे बाद में? इस पे बात करेंगे लोगों के संग, क्या कहेंगे, ये 10 सालों में इतना कर्जा कैसे बढ़ गया, कहाँ कर्जा हो ले लिए भाई, क्या कर दिया? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे देश के पास, और हमको विश्व बैंक से हमने कर्जा लिया और हमने सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और 2014 तक आते आते 55 लाख करोड़, और उसके बाद में मात्र 8 वर्ष के अंदर 100 करोड़ का एक्स्ट्रा हो गया। और 100 लाख करोड़ जी। और हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को, जो ये कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति में हम दुनिया में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूछना उनसे ये चाह रहे हैं कि हमारे देश को बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत थी? हमारे देश की जितनी जनसंख्या है, हमारे यहाँ तो जो वैशाली एक्सप्रेस है, जो हमारे यहाँ गरीब रथ है, हमें गरीबों के लिए ही व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत थी? और बुलेट ट्रेन में जो हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले करके खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लूट की इसके पीछे छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे देश में है, जो मतलब अर्थशास्त्री हमारे यहाँ हैं, खास करके मनमोहन सिंह जी, जब पूरी दुनिया में मंदी चल रहा था तो उन्होंने भारत को मंदी से उबारा था, नहीं तो हमारी स्थिति मतलब जिम्बाब्वे के हरारे जैसे हो जाती, जिस तरह से आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था पूरा वर्ल्ड, और हरारे की स्थिति ये थी कि लूटपाट हो गया, बाजारें लूट जा रही थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी जिम्मेदारी थी कि आर्थिक स्थिति से मतलब सुदृढ़ करते और देश को आगे ले जाते, लेकिन नहीं, चंद जो पूंजीपति हैं इनके पास, अडानी और अंबानी उद्योगपतियों का एक समूह है, इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं का सारा पैसा राइट ऑफ करते हैं, इन्हीं को लोन स्वीकृत करते हैं और जैसा तैसा करते हैं, और उसमें भी कमीशनबाजी करके इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए ये इतना कर्जा कैसे ले लिए, कहाँ चला गया होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आता। 155 लाख करोड़ हम कर्जे में हो गए, क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं, जहाँ हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं। जब कर्जदार आदमी हो जाता है तो गुलामी की ओर बढ़ता है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सौगंध मिट्टी का खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। तो अगर आप कर्जदार होते हैं तो एक तरह से गुलामी की ओर जाते हैं, जिसका आप कर्ज ले लेते हैं वो दबाव बनाता है आपके ऊपर कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, तो आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए था कि जो अपने यहाँ संसाधन है उन्हीं से ही काम चलाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए था। इतना 155 लाख करोड़ कर्ज में इस समय है, देश कर्ज में है, तो कर्ज लेने की क्या आवश्यकता थी या कहाँ जरूरत थी अभी तक, जब उतने आज़ादी से और 2014 तक में केवल 55 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज लिया गया था, तो इस 8 सालों में लगभग इतनी ज़रूरत कहाँ पड़ी और कहाँ लोग ले गए, कहाँ खर्चा किए, ये तो देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, जो पैसा ये कहाँ गया, ये जो कर्जा ले रहे हैं और आज आम आदमी करा रहा है, आम आदमी परेशान है, सारे लोग जो है बहुत ही
बेबसी और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, वो कर्जा से कहाँ फायदा हो रहा है इस पर भी गौर करना चाहिए। किन किन पूंजीपतियों को उस कर्जे का लाभ दिया गया इस पर भी देश के जनता को बताना चाहिए, और वो पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, उनसे जो जानने का अधिकार जनता को है। लोग बता के जा रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा कर्ज है, आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसके ऊपर कर्ज है? जापान के ऊपर। अच्छा, जीडीपी के अनुसार देखा जाता है कि किस देश में कितना कर्ज है, उन 10 देशों में भी भारत नहीं आता है जिन पे कर्ज है। तो मतलब और भी नीचे आना चाहिए। हंगर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट दिया है, आप जो कह रहे हैं सर ना, भारत के सबसे बड़े अमेरिका की कंपनी हंगर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट दिया। अरे मेरी बात सुनो ना, अब सारे विरोधी हो गए, आप मेरी बात सुनिए। हंगर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि यहाँ के उद्योगपति जो थे वो फर्जी तरीके से वो तीसरे नंबर पे थे। जब अडानी जब हंगर इंडेक्स ने रिपोर्ट तैयार किया तो जानते हो क्या, 7वें नंबर पे, अब 10वें से बाहर हो गए। सर आप बताओ हमें, हंगर इंडेक्स के कारण अडानी बाहर हो गए? अरे बाहर 10वें स्थान से बाहर। हिंडनबर्ग ने एक सर्वे किया है, उसमें उसे साबित हो गया है। मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा कैसे हो। 2014 के पहले इस देश के गांव में कितना प्रधानमंत्री आवास था, गरीबों के पास कितना आवास था, उसका भी एक डाटा निकालना चाहिए। आयुष्मान योजना के तहत कितने गरीबों का इलाज हुआ, इसका भी एक डाटा निकालना चाहिए। कितने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए, इसका भी एक डाटा निकाला जाना चाहिए। कितना एक्सप्रेस वे बना, इसका भी डाटा निकालना चाहिए। कितने आपके एयरपोर्ट बने, इसका भी डाटा निकाले जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं हंगर इंडेक्स की, तो देश ने अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं हंगर इंडेक्स के बाहर है, तो जरा उस हंगर इंडेक्स को बनाने वाले को पूछिए। अच्छा ये बताइए, 2014 तक क्या हमारे मुल्क में किसी के पास आवास नहीं था, लोग सड़क पे नंगे घूमते थे? आपने उधार लेके ये काम किया? हाँ बताइए। उधार कोई नहीं लेता है, ये वर्ल्ड बैंक होता है जो दे देता है। हाँ देता है, जब भीख मंगे पाकिस्तान को दे रहा है लगातार। आप वही बनना चाहते हैं? हम बनना नहीं चाह रहे हैं। हम बताते हैं, सुनिए, ये जो आप करते हैं ना, ये एक तरीका है कि किसी को बोलने पहले, अगर आप चलिए बोलिए, देखिए आप जब चुप हो जाएंगे फिर चलिए, जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर भी लीजिए। विकास, देश के विकास के लिए चाहे जो भी सरकारें रहती हैं वो वर्ल्ड बैंक से सहयोग लेती हैं, और उस कर्जे को उसके बाद में चुकाया जाता है। तो चुका रहे हैं। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो आपकी जीडीपी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपका स्टॉक मार्केट धराम हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो देश ने ब्रिटेन को कैसे पीछे छोड़ दिया, इस पे आपने रिसर्च की? वो तो रिसर्च हिंडनबर्ग ने कर दिया। सुनिए, हिंडनबर्ग ने वो रिसर्च कर दिया कि आप शेयर में कैसे आगे हो रहे हैं। सुनिए, ये माया जाल बनाया हुआ है। पहले देखिए, ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने कहा था 2014 में, देखिए इनसे ये पता चलता है, इन्होंने कहा था भाई मैं काला धन ले आऊंगा, और नोटबंदी करके भारत की जीडीपी को बैठा दिया। भारत की जीडीपी जानी चाहिए थी 8 पॉइंट पर गई थी, नीचे चली गई, पता नहीं है कहाँ जीडीपी है। जीडीपी की भाई साहब ने बात किया है, आज रियल एस्टेट बैठ गया है, आज बिल्कुल दिखता है। हाँ, रियल एस्टेट बैठ गया है, बेरोजगारी की वो सीमा है, सारी कंपनियों से मतलब प्राइवेट में जो नौकरी कर रहे हैं सबकी छटनी हो रही है, विदेशों से लेकर के भारत में सारी कंपनियां बंद हो रही हैं। अडानी जी और अंबानी जी ने सारे चैनल खरीद लिए हैं। आज जो मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और जनता के बीच में तीसरा नेत्र जो होता था मीडिया, एक मिनट सर, हम आपका नहीं बोला, मतलब ये मीडिया होती थी, सरकार की कमियों को मतलब दिखाती थी कि सुधार करेगी सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाइना के राष्ट्रपति के रास्ते पर चल चुके हैं, उनको घमंड इस बात का है कि चूंकि भगवान राम का बाजारीकरण कर दिया इन्होंने, एक आस्था की दूसरे की बात करते हैं, ये कभी निकालते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने सीना ठोक करके कहा था कि नोटबंदी के बाद अगर कोई दिक्कत आती मुझे बीच चौराहे पे खड़ा कर देना 45 दिन के अंदर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या दिक्कत आई आपको नोटबंदी के बाद? क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, लोग लाइनों में खड़े हुए और जान दे दिए, और स्थिति ये हो गई। एक मिनट सुनिए, जीडीपी खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, एक मिनट, और इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे यदि सत्ता में आ गए दिल्ली में। अच्छा ये बताइए, नोटबंदी का आप जवाब दे पाए हैं?
कोर्ट को अभी तक, ये बताइए भाई आपने किया क्यों था, जवाब दे पाए? आप टाइम मांग रहे हैं, आप लगातार टाइम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं आप बताइए, मांग रहे हैं आप जवाब दे पाए? क्यों किए थे बताइए गुरु, क्यों किए थे आप अपनी जान? आप अरे पहली बात सुन लीजिए, मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, वो भारत के प्रधानमंत्री है, पूरा देश पूछना चाहता है कि 2 करोड़ नौकरी आज 8 साल में 16 करोड़ नौकरी किन किन विभागों में दिया आपने? रेलवे को तो आपने खत्म कर दिया, सारी कंपनियों को खत्म कर दिया, और ये खाली अडानी और अंबानी के जेब के प्रधानमंत्री हैं, उनके बच्चों को खिलाएंगे? चलिए बोले आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले यही देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी के पे कहते थे, नोट पे कहते थे, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया? ठीक, आप कहते थे कि पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, बाबा रामदेव, ये एक षड्यंत्र था, कांग्रेस की हुकूमत थी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और आरएसएस ने जिस तरीके से रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र रचा, लगातार सिलेंडर उठाना, हाँ सारी चीजें वो किया। उसके बाद जब कांग्रेस की हुकूमत गई, यही देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? ठीक, वो गोद लिए हुए गांव कहाँ है? नहीं गांव गोद वो तो हम लोग सर्वे देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये कहिए कि 15% अभी जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक राग छेड़ा है, 15 वर्सेस 85, भाई इस 2022 में जातीय, अगर हनुमान जी को जात बताया किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो उत्तर प्रदेश की अगर जातीय जनगणना होती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? बिहार की राजनीति में उत्तर जनगणना मंडल वर्सेस कमंडल की बात हो गई, तो इसीलिए इनका साफ कहना है कुछ लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री, ये जो भी कर रहे हैं धार्मिक, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको बच्चों से जो यूथ हैं उनके भविष्य से। चलिए हम उसी मुद्दे पे आते हैं, हम खत्म करते हैं, मेरे पास टाइम उतना नहीं है। ये बताइए जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है, इससे आप क्या सोचे? एक एक लाइन में सब लोग बताइए। एक बच्चा पैदा होता है 46,000 रुपए कर्ज के तरह दबा होता है, आप रिकॉर्ड और ज्यादा हो ठीक, अब 46,000 हुआ। हाँ। अभी मैं एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 46,000 46,000 कर्ज के, पहले 20,000 था, अब 46,000। जो कर्ज का मतलब है, जो आप देख रहे हैं कि जो अडानी अंबानी जितने भी सारे लोग हैं इन्हीं के बदौलत सारी चीजें, LIC आपको देख लीजिए, SBI को देख लीजिए, क्या जल्दी बताइए आपको क्या लगता है इस कर्ज से हम लोग कहाँ चल जाएंगे? ये कर्ज ऐसा है कि हमारे आने वाले नस्ल यूथ को और बुरी स्थिति इस देश का होने वाला है, बस इस आप क्या बोलेंगे इस कर्ज से? देखिए इस कर्ज से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कोई कर्ज नहीं है, हमको व्यापार करना है, मैं आपसे 10 रुपया लेता हूँ, व्यापार करके आपको 15 देता हूँ, देश लगातार विकास के रथ पर आगे बढ़ रहा है, और ये जो तथाकथित एक गैंग है जो सड़क के किनारे टहल टहल कर लोगों से ये उसको ओबलाइज करता है कि नहीं PM ये कर रहा है CM, देखिए हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म सर्वसंभाव की बात करने वाला देश है, और हमारा देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आप क्या एक बात ये बताइए? नहीं बस एक लाइन बताइए, ये इस कर्जे से हमें क्या दिक्कत है? देखिए इस कर्जे से हमारे देश पर बोझ बढ़ेगा, हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, इसको रोकना है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आप किसानों के लिए कुछ करते नहीं हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है और बेरोजगार सड़कों पर लाठी खा रहा है, आप चिल्ला चिल्ला कहते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने किसानों को आय दुगनी के बजाय आप अडानी अंबानी मतलब खेत की तरफ उसकी नज़र थी। चलिए चलिए आज समय की कमी थी इस वजह से मैं रोकना चाहूँगा इन लोगों को बीच में, लेकिन आप भी सोचिएगा कि ये जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है इससे कितनी दिक्कतें होंगी। हाँ मान सकते हैं कुछ लोग थे जो सत्ता पक्ष का समर्थन किए, निश्चित तौर पे लोग करते हैं, दो तरह के ही मानसिकता लेके चलते हैं, या तो निगेटिव या पॉजिटिव, वैसे निगेटिव कोई नहीं बोलता, हर कोई उस चीज़ को पॉजिटिव ही बोलता है, तो सीधे तौर पर आज देखने को मिला ये मुद्दा। आप भी सोचिएगा कि इस कर्जा से हमें कितना दिक्कत होगा। आज के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।